किसको प्रधानमंत्री बनाना है बताइए, आज हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ईमानदार होना चाहिए। कौन कौन आपकी नजरों में कौन ईमान? मैं बताऊँ, इंदिरा गांधी ने रखे खाना बंद किया है और इन्हें एक्शन क्यों दिया मोदी साहब ने? मोदी सरकार भाग रही है, मोदी सरकार। मैं कहता हूँ कांग्रेस ईमानदार है, मोदी सरकार बेईमान है। मैं हम भगवान का बात नहीं कर रहे, मोदी सरकार बात कर रही है। नहीं मैं भागा नहीं है, सरकार झूठी क्यों है? बेईमानी भी है, सिस्टम बेईमान क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। नजरबगड़ के रहने वाले दयाराम जी हमें यहाँ पे मिले हैं, मोदी जी से अच्छा खासा नाराज नजर आ रहे हैं। क्या क्या पूरी कहानी बताएं? मेरा खाना बंद किया 74 में, और 74 में मोदी नहीं थे, कोई भी हुआ नहीं, कांग्रेस थी। कांग्रेस ने वोट दिया, फिर क्या उन्होंने दबाया? देखो मेरे को वोट दिए, देखो ये वोट दिए। हम क्या मांग कर रहे हैं? आपने राजनाथ सिंह को भी खाना बंद किया है और इन्हें एक्शन क्यों दिया मोदी साहब ने? फिर ऑनलाइन करेंगे एक्शन दो मेरे को, मेरे तनख्वाह चाहिए मुझे। मैं भागा नहीं, सरकार भाग रही है, भारत सरकार बेईमानी। मामला क्या था, पूरा मामला? खाना बंद किया मेरा 15। खाना कैसे बंद कर देंगे? ढूंढ बोले, ये कान मंत्री का है, काम बंद का है, ये एक्शन भी साथ में लेके घूमते हैं पेपर। हाँ भाई सबूत लेकर रखता मैं, कहाँ कहाँ जाते हैं पेपर? मैं सब जगह मोदी को दिए रखे हूँ ऑनलाइन। 5/3/19 को मोदी ने क्या, 5 साल में क्या किया मोदी साहब ने? क्यों नहीं किया 19 सरकार ने? भ्रष्टाचार क्या हुआ, बेईमानी क्यों है? पाप भी मेरे साथ में, न्याय चाहिए मुझे, न्याय चाहिए मुझे। आपको चाहिए, पूरे भारत वासियों को नहीं चाहिए? नहीं मेरे को चाहिए। अब मैं फौजी आदमी हूँ, भागा नहीं है, सरकार भाग रही है। भागे थे क्या? मोदी सरकार भाग रही है, मोदी सरकार। गिवन फूड, भ्रष्टाचार क्यों है? बहुत मुझे मोदी जी इनका खाना तो दे दीजिए। नहीं मैंने, मैं फल से लूंगा, मेरे तनख्वाह भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए। एक साथ 3 से देखो, मैं सबूत देखा, देखो पता ही नहीं रहे। BSF में आदमी क्या करते थे? BSF देखो, मैं BSF में क्या करते? मैं टेलर का काम, आपको हटा दिया, खाना बंद किया है, ये देखो अभी भी करते हैं वहाँ पे। नहीं अब अब उसके बाद क्यों देंगे खाना? खाना क्यों देंगे? क्यों उसके बाद आप वहीं जाके खाना खाएं? हम बुलाने से ही अंदर जाने, अंदर जाने दें मोदी आप। अच्छा आपको खाना खाने के लिए अंदर जाने दें? हाँ बिल्कुल। अगर आप रिटायरमेंट हो चुके हैं तो अभी आज भी नहीं हुआ, मैं आज भी नहीं हुआ। कितनी उम्र होगी काका? 80 के करीब। अरे तो 80 की उम्र में तो पहले रिटायरमेंट हो जाती है। देखो ये क्या है, ये क्या है? हाँ। मैं बोला हूँ आप देखो, मैं क्या बोला है कि 100 साल तक काम करेंगे? नहीं मैं भागा नहीं है, सरकार झूठी क्यों है? बेईमानी हुई है, सिस्टम बेईमान क्यों है? देखो दिखाऊंगा किसको प्रधानमंत्री बनाना है बताइए, आज हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ईमानदार होना चाहिए। कौन कौन आपकी नजरों में कौन ईमानदार? मैं बताऊँ, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी को और नेहरू जी को लेके आए? हाँ कहाँ से लेके आए? वो भगवान से, ऊपर से, ऊपर से। मेरे साथ ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी को मैं पर्दाफाश करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। इंदिरा गांधी से अच्छा लगा अब था, मतलब इंदिरा गांधी खाना दे? कानून मंत्री ने दिया मेरे को, कांग्रेस ने दिया न्याय, अब इनने रोका है मेरे को, है कि ये देखो सारे सबूत हैं। आप इंदिरा गांधी को ले आएंगे? मैं कहता हूँ कांग्रेस ईमानदार है, मोदी सरकार बेईमान है। मैम मेरे को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, न्याय चाहिए मुझे। केजरीवाल कैसे? केजरीवाल ईमानदार आदमी है, बड़ी ईमानदार। हाँ 2500 दे रहे हैं हमें, बोला भाई पेंशन 2500 मिल रही है। हाँ जी, तो इसलिए वो ईमानदार हो गए जो दे रहे हैं। बनिया आदमी है, बनिया आदमी है, बनिया आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। तो CBI की रेड क्यों पड़ रही है उनके ईमान है? अच्छा 5 साल बेईमान है, गिवन फूड इनका फूड दे दीजिए। रिटायर हो गए हैं, आराम कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। हम भगवान का, हम पाप नहीं कर रहे, मोदी सरकार पाप कर रही है। ये देखो मैं, देखो डंडा क्यों ले, ये कहाँ से ले आए हैं उठा के, ये कहाँ से उखाड़ दिया? लबाला देखो, देखो सही, डंडा कहाँ से उखाड़ दिया? 2500 का है, 2500 का डंडा है। देखिए डंडा और दिखाइए पहले काका का, ये 2500 का डंडा है। ये देखो ये क्या है, ये पढ़ो ये क्या है, गिवन फूड, गिवन फूड। हाँ खाना मांग रहे हैं, समझ गए। हाँ पर क्यों हुआ, हम भागे नहीं, सरकार भाग रही है। कोई भी कांग्रेस दीदी हमको एक ही जानते, भारत सरकार तो एक ही है ना। फिर मुझे नाम मिला, आपने आपने 1975 के बाद खाना नहीं खाया? नहीं मोदी सरकार ने नहीं दिया, तो आप
भूखे हैं इतने सालों से। मैम भैया सरकारी खाना चाहिए, मैं सरकारी खाना चाहिए। आपको सरकारी खाना चाहिए? हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि सरकारी कुर्सी और सरकारी खाने के पीछे लोग। हम भागे नहीं है, सरकार भाग रही है। आप तो भाग रहे हैं, आपको सरकारी चाहिए। मैं तैयार हूँ, अगर मैं भागा हूँ नहीं, मैं भागा नहीं, सरकार भाग रही है। मोदी सर का खाना मंदी है, आपको समझ देगा। बच्चे कितने हैं काका? बच्चे दो बच्चे। हाँ, तो बच्चे नहीं दे रहे? बच्चे जाएंगे, बच्चे बाप भी देगा। एक सरकार के बाप तो आप हैं। ये देखो मेरी कंप्लेन है। हाँ। न्याय चाहिए मुझे, न्याय। देखिए, हम भी मोदी सरकार से अपील करते हैं कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन काका को, दयाराम इनका नाम है, नजफगढ़ के रहने वाले हैं, इनको इनका खाना दे दीजिए। और इंदिरा गांधी से हम बात करेंगे जरा, कोई अगर स्पेशल बाबा आएगा ना देश में तो उससे बात करेंगे। वो ऊपर चाहिए, कोई भी न्याय चाहिए मैम। हाँ। मुझे कोई भी हो जाए, मुझे जा मुझे कोई भी है। हाँ, इनको न्याय चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।